चास चंदन कियारी के जमीन को सिंचित करने के लिए बनाई गई गवई बराज परियोजना संबंधित अधिकारियों और संवेदक की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। गवई बराज का जीर्णोद्धार करते हुए जलापूर्ति शुरू करने के उद्देश्य से ये परियोजना 136 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई थी, मगर अब तक ये कार्य अधूरा है। इस प्रोजेक्ट का कार्य TPL त्रिवेणी इजीको प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कराया जा रहा था। आपको बता दें कि ये बराज वर्ष 2013 में पाइलिंग चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद कैनाल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में सरकार ने कैनाल की मरम्मत कराई। कैनाल की लंबाई लगभग 43.35 किलोमीटर है। इसके जमीन और उसके तटबंध को पक्का PCC ढलाई करना था। ढलाई का काम तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी 25% का अधूरा पड़ा है। यही नहीं, जलापूर्ति शुरू होने के पहले ही नहर में दरार आ गई है, जिसकी मरम्मत ठेकेदार द्वारा की जा रही है। बराज के बनने से 54 गांव के किसानों को इससे लाभ मिलना था और कुल 4,537 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य भी निर्धारित था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं दिनेश पांडे और मैं अभी खड़ा हूं पिंडा जोरा के गवई बराज केंद्राडीह गांव के बधार में। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये हमारे पीछे की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गवई बराज है और यहां से एक नया नहर जो निकला है, जो नहर जो है चंदन कियारी इलाके को भी सिंचाई करने के लिए उसका निर्माण कराया गया है। पूरे कंक्रीट से ये बना हुआ है, इसकी ढलाई कर दी गई है, तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली गई है। ये योजना जो है इसकी जो शिलान्यास जो है 18/12/2016 को हुई थी, लेकिन आज तक इस बराज का कोई लाभ लोगों को नहीं मिल पाया, किसानों को नहीं मिल पाया। टेल एंड तक पानी पहुंचाने की बात तो दूर, इन नहरों में पानी थोड़ी सी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। जैसे कि आप तस्वीरों में दिखा देते हैं हम आपको कि इसी बराज में गेट लगाना था और जब तक गेट नहीं लगता तब तक इन नहर में पानी जाना मुश्किल होगा, क्योंकि बिना पानी को रोके हुए इस नहर में पानी नहीं छोड़ा जा सकता है। लिहाजा करोड़ों रुपए खर्च की कर दिए जाने के बावजूद भी आज तक किसान इसे उपेक्षित रह गए। पानी की तरफ पैसे बहाया विभाग ने, लेकिन आज तक विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और यही नहीं, ये जनप्रतिनिधियों के लिए भी राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। दो दो विधायकों के इलाके का मामला है, एक तो बोकारो विधायक और दूसरा फिर चंदन कियारी विधायक। किसानों का आरोप हमेशा रहा है कि ये दोनों विधायकों के बीच आपसी तालमेल नहीं हो पाने के कारण आज तक किसानों को इससे पानी नहीं मिल पाया और खेत जो है सिंचाई नहीं हो पाए, जबकि हजारों एकड़ भूमि जो है बंजर की हालात में है, बंजर की स्थिति में है। किसान जो है रो रहे हैं, उनकी फसलें भी दिनों दिन नष्ट होती है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि जिस तरीके से जो ये गवई बराज बनाए गए हैं इसमें तो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। सबसे बड़ी बात हम आपको एक और दिखाने जा रहे हैं, आपको हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरह के नहर का निर्माण कराया गया है और नहर के हालात क्या हैं। नहर तो बनकर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आज तक नहर बनने के बाद इस नहर से सिंचाई नहीं हो पाई है। हम देखिए इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गवई बराज है और इसी से इस नहर की निकासी हुई है। दिखाते हैं हम आपको इन तस्वीरों में कि देखिए कैसे इस गवई बराज से इस नहर को निकाला गया है। और नहर थोड़ा सा हम कैमरामैन से आग्रह करेंगे तुम इधर के अभी थोड़ा सा सीन दिखा दो। जो देखिए आप देख रहे हैं नहर बना हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन आज तक नतीजा जो है सिफर निकला और आज तक किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। क्या इसके लिए आखिर कौन दोषी है? क्या पानी की तरह पैसे बहाने जरूरी थे? सरकार के खजाने में इतनी राशि थी कि क्या खर्च करना उनकी मजबूरी थी? ऐसा नहीं है, किसानों के नाम पर लूट खसोट का यह योजना जो है केंद्र बिंदु बन गया और आज तक इससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। मैं कैमरामैन सुमन पांडे के साथ दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।